मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम लोग इधर आ रहे हैं फरी की तरफ, क्योंकि मैंने उनका पता भी। अच्छा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मेकअप के लिए बंदा एंटिंग है, सारी हाथ से पेंट किए हुए हैं सारे। ये देखिए जी, ब्राउनीज बनाई हैं इन्होंने, क्योंकि मैंने खाई भी बड़ी मज़े की ब्राउनियाँ, और पड़ी भी अच्छी लगती हैं। और किसने अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जा रहे हैं हम लोग आज भाज की खाला की तरफ। तो भाई धूप अच्छी निकल आई है, बस निकल रहे हैं। और ये देखे इजलान सो रहा है, इसको मैं उठाने लगी हूँ। तो वहीं जाते हुए वहीं बात करते हैं, उनका उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका पता भी लेना था। जी, तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम लोग इधर आ रहे हैं फरी की तरफ, क्योंकि मैंने उनका पता भी लेना था भाईजान का। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। तो बस हम इधर बच्चे, आपने देखा भी कि एंजॉय कर रहे हैं अपना, इधर उधर भाग रहे हैं फिर रहे हैं। मैं कहवा बना के आई हूँ, मेरे बच्चों का खांसी हुई थी उनको बड़ी शदीद। और ये देखें इनकी ड्रेसिंग की सेटिंग, और ये देखें, ये बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़र है मेकअप के लिए, बंदा ऐसा ले सकता है। देखिए इनके परफ्यूम कलेक्शन भी ये। तो ये देखें, ये खुर्रम ने बनाए थे तब जब ये वॉज बनाते थे हाथ से। ये हाथ की पेंटिंग है सारी, हाथ से पेंट किए हुए हैं सारे। तो क्लोज करके दिखाती हूँ, देखिए बड़ा ही अच्छा बनाया था। बच्चे अंदर आ चुके हैं, क्योंकि इनको है कि हमने व्लॉग नहीं सही बनाने देना। तो ये अंदर आ चुके हैं, ये इनके डेकोरेशन। जी, क्या करने आए वहाँ जा बंदा है? टैप को देखने हैं। और ये देखिए कर्टन्स, कर्टन्स भी इनके बड़े ज़बरदस्त लगे हुए हैं, कलर बहुत प्यारा है कर्टन का। मेरा वेव कर दो, मेरा भी आई है अपना वही ड्रेस पहन के, इसको ये बड़ा पसंद। ये कंफर्टर मुझे बड़ा पसंद आया था, ये इसने लाहौर से लिया था। ये देखिए, ये इसका इस तरह से कंफर्टर है, और ये साथ की बेडशीट है, मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो ये इस डिस्काउंट पर मेरे ख्याल में इसने ली है, बड़ी अच्छी वैरायटी। और देखिए शर्ट, ये रिदा की शर्ट है, कार्डी से उसने ली है मेरे ख्याल में। तो मुझे दूर से लग रही थी कि ये मकैश है, लेकिन ये मकैश नहीं है। लेकिन स्टाइल देखिए इसका बड़ा ही प्यारा है स्टाइल। देखिए ये इस तरह से, ये साइड पे बटन लगे हुए हैं, बड़ा करते हैं। शर्ट भी दिखाई मैंने आपको, और बेडशीट भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। इनका ये कंफर्टर सेट बड़ा ही ज़बरदस्त था। आओगे भी मैं क्रॉप कर दूंगी बीच में से। ये देखे जी, ये लग बन रही बिरयानी, और ये बच्चों के लिए बनाया कहवा। और इनका फ्रिज चेक करते हैं। ये देखिए जी, ब्राउनीज बनाई है इन्होंने, क्योंकि मैंने खाई भी बड़ी मज़े की ब्राउनीज। हाँ, दही भले पीछे से आई आवाज़। तो ये फ्रूट चाट, ये देखिए इन्होंने, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखिए ऐसे पैकिंग की हुई इन्होंने ऊपर, फ्रिज में स्मेल नहीं जाती फिर चीज़ों के अंदर। ये देखिए जी दही भल्ले, ये पैक हुए हैं ऊपर से। ये होता है कि आप घर में कितने सुगड़ हैं। और ये देखिए, ये इनकी बीच में बड़ी, ये चावल है और ये आटा है। देखिए इनका पूरा फ्रिज हमने जो है वो देख लिया। और ये देखिए कैचअप जमा की हुई है, और नीचे दवाइयाँ जमा की हुई हैं इन्होंने, और ये नीचे भी कुछ है पड़ा हुआ। ये देखिए जी अनार, ये फ्रूट चाट जो बनी है इनकी, वो सारा फ्रूट पड़ा हुआ है। नीचे भी कोई चावल चावल पड़े हैं, ये ग्रीन प्याज पड़ा, ग्रीन प्याज वैसे बाकी चीज़ों में डाल के बनाया जाए तो बड़ा ही मज़े का लगता है। और ये क्या है, ये क्या है, चॉकलेट खजूरें हैं, ये खजूर है भाई। ये देखें जी, और खजूर की पैकिंग देखें। ये देखें जी, मेरे तो फ्रीज़र में आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा, इनका फ्रीज़र देखें माशाल्लाह। ये देखें जी क्या कुछ पड़ा हुआ है, आप चेक करते हैं। मोज़िला चीज़, क्योंकि ये पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं शवरमा, और ये चैदर चीज़ शॉपिंग। तो ये लाते हैं वहाँ से,
पराठे और ये पैकिंग पड़ी है, ये समोसे, लहसुन भी पड़ा हुआ है, ये सारी पैकिंग पड़ी है। ये मेरे ख्याल में नगेट्स पड़े हुए हैं, ये देखें जी नगेट्स, और ये भी कुछ पड़ा है पैकेट में। अच्छा ये भी पराठे हैं भाई, ये देखिए मैं ऊपर से मुझसे उठाया नहीं जा रहा, रोल पराठा, ये रोल पराठा बनता है। और ये देखे पहले है सामान, और मेहनत करनी पड़नी है हमें सामान उठाने में, फिर हम इनके फ्रीज़र का विज़िट करते हैं। ये तो ये देखिए जी हमने उठा ली यहाँ से चीज़ें, इनके फ्रीज़र का करते हैं हम विज़िट। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी अब क्या क्या कुछ पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। दालें, ये पीछे से बाजी की आवाज़ आ रही है, दालें मसाले। पहले बता दिए ये है गोश्त बहुत पड़ा है, चिकन, ये चिकन के पैकेट ये देखें, ये इस तरह से बना के रख लेती हैं, एक पूरे उसमें रो में चिकन के पैकेट्स होते हैं साफ करके, एक में गोश्त के होते हैं। ये होता है सुगड़ापा, और ये देखिए चने भी बॉयल करके। कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप कुछ भी फरमाइश करेंगे आपको इंस्टेंट फटाफट बन के मिल जाएंगी, क्योंकि इन्होंने आधी तैयारी करके रखी हुई होती है। ये देखिए ये भी कुछ पड़ा हुआ है, ये बिरयानी मसाला है, मैं ये देख रही क्या है, बिरयानी मसाला है। ये देखिए ये चाट वगैरह बनाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है राजमा, इसको लाल लोबिया भी कहते हैं। ये दाल वगैरह नहीं लगता, ये बेसन दालें शालें ये सब पड़ी हैं, ये बिरयानी मसाला पड़ा है, ये चने पड़े हैं, और ये सारा देखिए फ्रीजर में टमाटर हैं, चिकन के पैकेट हैं, और ये मलाइयाँ हैं। ये देखिए आप ये मत समझना इसमें आइसक्रीम है, इसमें मलाई है, ये मलाई जमा करके बनाते हैं क्या, देसी घी। और ये सारा गोश्त है, चले ये हमने इनका फ्रीज़र का विज़िट भी कर लिया सारा, ये ऐसे। और अभी जो ब्राउनीज़ मैंने आपको दिखाई, ये देखिए ये वाली, ये इतनी कोई मज़े की बनी है कि इसकी रेसिपी मैंने इनसे ली है, और मैं अभी ट्राई करूँगी, अब अल्लाह करे ऐसे ही बन जाए। उस दिन तो मैंने आपको जो व्लॉग में दिखाया मेरा केक जो ख़राब हुआ था सारा, तो अल्लाह करे अब ये ठीक बन जाए। लेकिन वाकई बड़ी टेस्टी बनी, इन्होंने इस पर कॉफ़ी भी डाली है, चॉकलेट्स डाली हैं, और पता नहीं क्या क्या। और ये देखें जी इनके काम वाली बर्तन भी धो गई है, अरेंज करके रख ली। ये यहाँ से इनकी विंडो है, बाहर से नज़र आता है सारा, और ये सारा, और ये ही इनकी यहाँ पे क्रॉकरी। आज हमने इनका किचन का क्योंकि विज़िट करना था, रूम विज़िट हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ये क्रॉकरी है इनकी सारी, ये आइसक्रीम कप्स हैं, और ये भी नीचे ये देखें ये ग्रे कलर के कप्स हैं इनके। ये देखें ये इनके लंदन से आए हैं क्रॉकरी, ग्रे और वाइट कॉम्बिनेशन, ब्लू भी लंदन का है वो कह रही है। और ये देखें ये भी इनकी क्रॉकरी, ये नीचे भी इनकी क्रॉकरी इनके पास बहुत है माशाल्लाह। और ये देखें ये ब्लैक कलर के ये हैं गिलास, ये भी इनके, ये पिंक कलर के जैसे मैंने आपको कैबिनेट में क्या है, इनमें इनके मसाले पड़े हैं। ये देखें मसाले मसाले, ये मसालों वाला डब्बा पूरा, इसमें सारे मसाले ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। यूजुअल जो आम यूजुअल होते हैं क्रॉकरी आमतौर पर यूज़ कर, देखें। और ये जो ये रोल पराठे वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी बिस्किट, और ये ट्रेस पड़ी चीज़, गार्लिक चीज़, केचप, मायो गार्लिक होगा पानी है, ये फ्रूट्स पड़ा है, इसमें सामने कुछ पीना है, इसका भी विज़िट कर लेते हैं। इधर चटनियाँ पड़ी हैं तो मेरे फ्रिज में भी आप देखिए। अब हम बाहर देखते हैं बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए बच्चे बस जी टी वाई सी टी मोम इन वेव कर दें, वेव करें ऐसे से करें गुड। आपको ड्राइंग रूम का विज़िट भी करा दूँ, किचन तो हमने उनका पूरा एक एक कैबिनेट देख लिए बेचारों की। तो ये देखिए जी ड्राइंग रूम इन्होंने जो वैसा ही है, वैसे इसको कुछ हुआ नहीं है, ना ही नया कुछ हुआ है, बस यही सेटिंग इनकी है। लेकिन मैंने कहा चले आपको विज़िट दोबारा करा ही देती हूँ। ये देखिए जी ये घड़ी भी वही है, कहीं नहीं गई। और ये देखिए कैंडल्स हैं इसके अंदर, ये मैं आपको भी चला के दिखाती हूँ क्या कोई मज़े की पिक्चर्स बनती हैं इस कैंडल में। और ये डेकोरेशन इनके, बाकी मेरी तस्बीहें देखें, तस्बियों की कलेक्शन देखें इनकी, ज़रा मैं खुद हैरान हूँ, देखिए ज़रा कि खुद ही दिल करे बंदा अल्लाह अल्लाह करे। ये देखिए कैसे इनकी मज़े मज़े की, मतलब कितनी यूनिक किस्म की स्टाइलिश सी तस्बियाँ हैं, देखें
ये देखे तस्बियाँ, ये और पड़ी हुई भी अच्छी लगती हैं, और किसने अगर तस्बीह करनी है तो यहाँ से उठाए और अल्लाह अल्लाह कर ले बैठ के, यानी अच्छी। और ये देखें, ये नीचे इनका कभी मुझे नज़र नहीं आया, ये देखें ये देखें ये कितना मज़े का है, ये देखें ज़रा कैंडल, और ये डेकोरेशन इस पर रखी हुई टेबल है, जैसे कोई एक कोई मेहमान आता है आपने उसको देना है, ये टेबल रखे आगे, ये देखें ये ऊपर इसके ये टेबल है, फिर एक ये छोटा टेबल भी है, फिर ये उससे ज़रा बड़ा वाला टेबल भी है जो है वो सेटिंग। और अब हम चलते हैं भाईजान के, ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? ये नेज़ल के लिए और नोवोडेट है। पेन किलर्स हैं? हाँ, इसी की हैं जो ऑपरेट किए थे उनसे लगे एंटीबायोटिक। अच्छा, अब कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है, ठीक ठाक। चलिए, अल्लाह ताला आपको ऐसी सेहत दे। मेरे व्यूवर्स